नगर विधायक प्रेम कुमार से जो 30 साल में अभी तक क्रिकेट के लिए मतलब खेल के लिए खेल भावनाओं से नहीं देखा, अभी तक कुछ भी नहीं किया खेल के खेल को लेकर। अभी भी गांधी मैदान में आप जाएंगे तो सारे सब तरफ की दीवार गिरी हुई है और पानी जमा हुआ है। कहीं ना कहीं जो जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं, ये नाराजगी है। मीडिया जब देखा कि आरजेडी के सब जनता चाहे, आप दोनों लोग आइए, आप लोग दोनों देखिए, आप आइए यहीं पाइए, आपके सामने सामने सब कह रहे हैं। नहीं, आप बातचीत दोनों बंद चल रही है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? लगातार जनता में गुस्सा दिख रहा है, बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ ये गुस्सा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है? इतनी भीड़ में ये बताया जा रहा है कि लगातार, हाँ नहीं आप बोलिए, आप नेता हैं, इतनी नाराजगी जनता में दिख रही है, सामने दिख रही है, युवा नाराज है नीतीश कुमार के बोलने के लिए। बच्चा ही क्या चीज है? कोई चीज नहीं बच्चा है, क्या चीज पर बोलेंगे? नहीं बेरोजगारी पर बोलेंगे, नहीं शिक्षा पर बोलेंगे, नहीं पलायन पर बोलेंगे, नहीं स्वास्थ्य पर व्यवस्था पर बोलेंगे, क्या चीज बोलिए? मैं गुरारू में एक पिता के सामने बच्ची को दुष्कर्म हो जाता है और उसकी बीवी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कहाँ गया सुशासन की सरकार? यही कहा था पलायन के, यही कोरोना के समय कहा था कि हम बहुत लगातार महिला को गुस्सा है बीजेपी और जेडीयू को लेकर, जिस तरह के हालात बने हैं ये बता रहे हैं कि बीजेपी से लोग नाराज हैं। आप क्या कर जाएगा? लगातार कभी नहीं चाहेगी मुझे प्रेम कुमार को भी भगा देना है। यहाँ 30 साल से जो पिंडली मार के बैठे हुए हैं ना, वो यहाँ से तय है, वो जाना तय है। इस बार कोई अति बिहार उसका कभी नहीं मैंने तक देखी जो मुजफ्फरपुर बालका गिरी कांड जैसा बर्दाश्त देता हो। इसके में ब्रजेश ठाकुर बीजेपी के बड़े बड़े नेता रेपिस्ट निकले हैं, उसको नीतीश कुमार सत्ता के संरक्षण में बचा रहे हैं अभी तक। और गुप्तेश्वर पांडे भर्ती के हाल में जिस तरह से पॉलिटिकल संरक्षण के बावजूद भी उन्होंने काम किया, इस तरह की सारी सिचुएशन है और हमने कोशिश की उन सारी खबरों को आप तक पहुँच सबसे पहले पहुँचा सके।